तो हमारा आज का वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप सबको तो पता ही होगा कि हम अपने चैनल पे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या एविएशन से जुड़े कई सारी बातों को सीखते हैं। इसी तरह आज भी कुछ नया सीखेंगे। आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर जहां भी लैंड करता है या करने वाला होता है, वहां बड़े बड़े अक्षरों में H लिखा होता है और एक सर्कल बना हुआ रहता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? हो सकता है कि आपको लगे कि H अक्षर का मतलब होता होगा हेलीकॉप्टर, लेकिन सही मायनों में ऐसा नहीं है। तो आखिर H का मतलब क्या होता है? तो जान लीजिए, हार्ड सरफेस एरिया, यानी कि जिस जगह पर H लिखा हुआ है वहाँ समतल और सख्त सतह है, जहाँ हेलीकॉप्टर आसानी से उतर सकता है। इस तरह के हेलीपैड्स को अधिकतर कॉन्क्रीट से बनाया जाता है। इस तरह के हेलीपैड अधिकतर समय एयरपोर्ट के नज़दीक या एयरपोर्ट में होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि गांवों में जब हेलीकॉप्टर उतरता है तो वो मिट्टी जैसे सरफेस पे भी उतर सकता है। दरअसल वहाँ हेलीकॉप्टर को उतरने से पहले उस जगह पे समतल किया जाता है, उस जगह को सख्त बनाया जाता है। लेकिन कभी कभी आपातकालीन स्थिति जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या मिलिट्री ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर को ऐसी जगह पे उतरना पड़ता है जिसके बारे में किसी को पहले से पता नहीं होता है। उस जगह पर उतरने के लिए पायलट को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ चुनिंदा पायलट ही इस तरह के जगहों पे उतर सकते हैं। और हेलीकॉप्टर में कई डिवाइस लगे होते हैं जो ग्राउंड की मैपिंग ऊपर से ही कर लेते हैं, जो ऊपर से ही बता देते हैं कि आखिर वो सतह कितना सख्त है या फिर वो सतह समतल है या उबड़ खाबड़ है, जिससे पायलट ऊपर से ही अंदाज़ा लगा लेता है कि उस जगह पे हेलीकॉप्टर उतरना सही होगा या नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।